पास कर दिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी इसके समर्थन में थी। आप सांसद संजय सिंह ने इस बिल पर चर्चा में हिस्सा भी लिया। हम आपको सुनवाते हैं कि संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी का क्या रुख इस बिल को लेकर राज्यसभा में रखा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा कि आपने इस विषय पे मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। आज मुझे वो दृश्य याद आ रहा है मान्यवर कि जब भी ये सरकार कोई फैसला करती है उसका प्रचार इतने जोर शोर के साथ किया जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि दीपावली का पर्व आ गया। और ये हम लोगों ने कई बार देखा है मान्यवर। नोटबंदी का जब फैसला किया गया पूरे देश में जश्न मनवाया गया, कहा गया काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएगा। उसका परिणाम क्या हो गया? 100 लोगों ने अपनी जिंदगियां लाइन में लग के खत्म की। काला धन तो नहीं खत्म हुआ, जाली नोट भी खत्म नहीं हुआ, देश के अंदर 100 जिंदगियां लाइन में लग के खत्म हो गईं। और 99.3% पैसा बैंकों में वापस आ गया। यानी नोटबंदी की योजना आपकी एक फेल योजना थी, लेकिन उसका भी जश्न आपने मनवाया। आप GST लेकर आए, आधी रात में आजादी देने लगे हिंदुस्तान के लोगों को। और बड़ी विचित्र सरकार है मान्यवर कि टैक्स बढ़ाने का भी जश्न मनवा दिया इस पूरे देश में। बोलो जश्न मनाओ, 5% से 28% आपका टैक्स हो रहा है, उसका भी जश्न मनवा दिया। आज उसी प्रकार का दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है कि इस आरक्षण के तहत आपने गरीब सवर्णों को धोखा देने का काम किया है, और उसके बाद भी पूरे देश में जश्न मनवा रहे हैं कि जश्न मनाओ सवर्णों, हम आपको आरक्षण दे रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सरकार से पूछना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मान्यवर भारत की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजधानी कहां है पूरा देश जानता है। और यह दस्तावेज उस राजधानी से आया है आपके पास, और वो राजधानी जो है आपकी, उस राजधानी में जो प्रमुख बैठते हैं वो प्रमुख दलितों के विरोधी हैं, वो प्रमुख पिछड़ों के विरोधी हैं। और उसी प्रमुख ने बिहार के चुनाव में कहा था दलितों और पिछड़ों का आरक्षण इस देश के अंदर खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मानवर यह तरीका ठीक नहीं है, यह तरीका ठीक नहीं है, यह तरीका ठीक नहीं है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए प्लीज आप अपनी जगह ले राकेश जी, कृपया अपनी जगह। ये बिल है, ये बिल उसकी शुरुआत है मान्यवर। और मैं पूछना चाहता हूं नागपुर में जो प्रमुख बैठते हैं 90 साल से वो संस्था 90 साल से काम कर रही है, ऐसे अगर चिल्लाएंगे सर ये ठीक नहीं है। आप बैठे, अपनी बात कहें संजय जी, आप बैठे प्लीज। एक स्पीकर को नहीं बोलने दूंगा, एग्जामिन होगा, कोई अगर गलत बात होगी तो रिकॉर्ड से निकालिए प्लीज। 90 साल से जो नागपुर इनकी राजधानी है, उस नागपुर की राजधानी में 90 साल से एक भी प्रमुख दलित और पिछड़ा नहीं बैठा है। ये इनकी मानसिकता है मान्यवर, दलितों के पिछड़ों के विरोधी लोग हैं। इस मानसिकता के साथ ये बिल लाया गया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 8 लाख की सीमा तय कर दी, 8 लाख की सीमा तय कर दी मान्यवर। मैं पूछना चाहता हूं 8 लाख की सीमा में राकेश जी आप बैठे, कृपया बैठे, कृपया जिस दिन से आम आदमी पार्टी आई है सब मिलकर विरोध करते हैं, ये नया तरीका अपने लिए। आप अपनी बात कहें संजय जी, एक भी स्पीकर फिर नहीं बोलने पाएगा मान्यवर उधर से, ये तरीका ठीक नहीं। आपके पास 1 मिनट है, 10-10 मिनट लोगों ने बोला, आपके पास 1 मिनट है, मैं आगे स्पीकर पर चला जाऊंगा। संजय जी मैं पूरा आपको कह रहा हूँ, प्लीज कंक्लूड प्लीज, आप अपनी बात कहें। आपने सीमा रख दी, आपने 8 लाख की सीमा रख दी, 8 लाख की सीमा में लगभग 95% सवर्ण कवर हो जाएगी। 8 लाख की सीमा के ऊपर आपका समय खत्म हो गया, जल्द कंक्लूड करें आप, जल्द कंक्लूड करें। बोला सर आप बोलते रहे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी बात ही रिकॉर्ड में जा रही है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अदरवाइज दूसरे वक्ता को मैं बुलाऊंगा। आप प्लीज कंक्लूड करें।
5% जो सवर्ण है मनवर वो 8 लाख से ऊपर की आमदनी के हैं, तो 95% सवर्णों को आपने दे दिया 10% आरक्षण, और 5% यानी अमीर जो सवर्ण है जो आपके मित्रों की सूची में आते हैं उनको आपने दे दिया 40% जनरल कैटेगरी का कोटा कि आप उसमें आरक्षण लीजिए। ये कैसी विसंगति है मानवर, ये तो गरीब सवर्णों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और ये बात मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि पिछड़ों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले दल यहां पर मौजूद है, मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं यह ऐतिहासिक क्षण है। अगर आज यह बिल पास हो गया तो याद रखना आने वाले दिनों में अपनी मंशा के तहत जो आरएसएस 90 साल तक किसी दलित को प्रमुख नहीं बना पाई वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण। आप अपनी बात कंक्लूड करें, कंक्लूड करें मान्यवर, कंक्लूड करें, अंतिम बात आप कंक्लूड करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां डॉक्टर लोहिया की बात हुई, डॉक्टर लोहिया का नारा था चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान सबको शिक्षा एक समान, और उस समान शिक्षा का मॉडल मैं बड़े गर्व के साथ इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने शिक्षा का आपका, मॉडल आपका समय खत्म हुआ, स्थापित करने का काम, आपका समय खत्म हुआ, प्लीज प्लीज करने का, प्लीज कंक्लूड कहूंगा, मैं अब दूसरा नाम पुकार रहा हूं, अगर अगर आप खत्म कर रहे हो तो मैं दूसरा नाम पुकारूंगा। दूसरों को आपने इतना समय दिया, मेरे साथ क्यों नहीं, आप समय जो बचा है मेरे आपके पार्टी के अनुसार जो समय है उससे अधिक मैंने दिया, समय पर कृपया हम लोग ठीक नहीं मानव, मैं बात उस समय के अनुसार आप जल्द खत्म करें, आप जल्द खत्म करें मानव। 26 लाख नौकरियां राज्यों में रिक्त है, आपकी वहां पर सरकारें हैं, आप उन रिक्तियों को भरने का काम कीजिए। केंद्र के अंदर जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, ड्राइवर से लेकर दो मिनट मानो, नहीं नहीं आप ड्राइवर से लेकर ऑलरेडी मैं अधिक समय दे चुका हूं, आप खत्म करें, एक मिनट से आप अपनी बात खत्म करें। के काम में आपने प्राइवेट एजेंसियों को कर दिया मान्यवर, वहां आरक्षण का क्या होगा। अभी माननीय कानून मंत्री जी यहां पर कह रहे थे मान्यवर कि उनकी पार्टी ने जब जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई पिछड़ों का ख्याल रखा, दलितों का ख्याल रखा। बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में आपकी मुख्यमंत्री कौन थी, छत्तीसगढ़ में आपके मुख्यमंत्री कौन थे, गोवा में आपके मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड में आपके मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र में आपके मुख्यमंत्री कौन है, आपके मुख्यमंत्री कौन है। संजय जी मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं, ऑलरेडी 3 मिनट समय अधिक दे दिया मैंने, अब आप खत्म करें। दलितों माननीय राकेश सिन्हा जी अपनी बात कहें, आपके दल से 3 स्पीकर हैं, मैं आग्रह करूंगा समय के तहत अपनी बात कहें। हमारी पार्टी अगर हमारे सुझाव को यहाँ पर नहीं मानती, आप कंक्लूड करें, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी।